और ये बताया जा रहा है कि एनआरसी होने वाली है, 1951 के पेपर चाहिए, 1971 के पेपर चाहिए, और यहाँ भेज दिया जाएगा, वहां भेज दिया जाएगा। तो इस बात का हमको खुद भी इल्म होना चाहिए और दूसरों के इल्म में भी ये बात लानी चाहिए कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में सिर्फ जितने मुसलमान रह रहे हैं, अगर पूरी दुनिया के मुल्कों की आबादी के हिसाब से इकट्ठा किया जाए तो पूरी दुनिया में पांचवा नंबर हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान आबादी का है। पांचवा, अगर आपका एक मुल्क बनाया जाए तो पांचवा सबसे बड़ा मुल्क बनेगा। अगर किसी मुल्क में आपको भेजने की बात कही जा रही है तो आस पड़ोस के सारे मुल्क खत्म हो जाएंगे, कहीं कोई भेजा नहीं जा सकता। 22 करोड़ के आसपास की आपकी आबादी है, किसी भी मुस्लिम मुल्क की आबादी 22 करोड़ नहीं है, इंडोनेशिया के बारे में कहा जाता है, लेकिन वहां भी मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं है। तो इतना जो आपको डराया जा रहा है, ना उसकी कोई बुनियाद है, ना कोई उसकी जरूरत है, ना कहीं उसका कोई ऐलान हुआ है। आसाम के बारे में जो बात फुजैल साहब ने फरमाई, वो वहां का हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है। 1951 में जब मुल्क आजाद हुआ तो आसाम, तब कोई नागालैंड नहीं था, तब कोई मणिपुर नहीं था, तब कोई मेघालय नहीं था, तब कोई दूसरे इलाके नहीं थे, सिर्फ आसाम एक स्टेट था। और उस स्टेट के बॉर्डर्स बर्मा से भी मिलते थे, चाइना से भी मिलते थे, और ईस्ट पाकिस्तान से भी मिलते थे, जो नया पाकिस्तान बना था। तो वहां पे ये कहा गया कि एक बड़ी तादाद हमारे ये बॉर्डर से लगा हुआ मुल्क है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ के रहने वाले लोगों की शिनाख्त हो जाए, कोई पेपर बन जाए, तो उसको एनआरसी का नाम दिया गया 1951 में। और आसाम के साथ एक मसला दूसरा ये था कि आसाम बंगाल के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, आसाम की जो सरहदें हैं वो बंगाल से मिलती हैं। और आसाम जब 1870 में बना तो उसके बनने के 4 साल के बाद दो बंगाली बोलने वाले डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के डिस्ट्रिक्ट आसाम में अटैच कर दिए गए। आसाम की आबादी कम थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, चाय बागान की खेती शुरू हुई और दूसरे काम शुरू हुए, तो बंगाल से तमाम लोग आसाम गए। तो आसाम और बंगाल का में एक लगातार तनाजा वहाँ आसाम में चल रहा था कि वहाँ बंगाली बोलने वाले बहुत आ रहे हैं, जब वहाँ बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं। तो 1951 में वहाँ पे एक एनआरसी हुई, और वो एनआरसी दो डिस्ट्रिक्ट में हुई, एक गुवाहाटी जो आसाम की राजधानी पहले था, अभी दिसपुर हो गया है मेन शहर, और एक आउटर गुवाहाटी जिसको कमरूप डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वो एनआरसी हुई। उसके बाद वहाँ एक वकील साहब ने ऐसे बताया कि 1979 से लेकर 1984 तक लगातार एक मूवमेंट चलता रहा, जिसके नज़दीक ये कहा गया कि बाहर के लोग आइडेंटिफाई करे जाएंगे, और वहाँ पर ये बात तय हुई कि 1971 के पहले जितने लोग आए हैं वो हिंदुस्तानी माने जाएंगे और बाद के लोगों को चेक किया जाएगा। 2010 में वहाँ पर एनआरसी शुरू हुई, और एनआरसी जब 2010 में वहाँ शुरू हुई तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट बरपेटा था, उसमें वहाँ उन्होंने जो एनआरसी करने वाले अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि ये इलाके बांग्लादेश के आए हुए लोगों से, इसलिए इनकी हम शिनाख्त नहीं करेंगे, इनसे पेपर नहीं लेंगे, इनके पास जांच के लिए नहीं जाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने इसका अपोज किया, वहाँ के संगठनों ने इसका अपोज किया, जिसके नज़दीक वहाँ गोलियाँ चली और 12 लोग जो है वो मारे गए और एनआरसी कैंसिल हो गई। 2014 में वहाँ पर दोबारा एनआरसी अनाउंस करी गई, प्रतीक हजेला साहब एक अधिकारी थे, वो एनआरसी के लाए गए, घर घर जाके पेपर चेक किए गए। वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि 2014 में जब एनआरसी शुरू हुई थी तो एनआरसी में हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, लेकिन जब 2016 में आसाम में भाजपा की सरकार आई तो उसने वहाँ पर भेदभाव करना शुरू किया, वहाँ परेशान करना शुरू किया, जिसके बहरहाल वो सब चलता रहा। और पिछले एक साल पहले 2018 में 1600 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एनआरसी की लिस्ट आई, जिसमें कहा गया कि 40,70,700 लोग आसाम की एनआरसी में हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, लेकिन अभी यह फाइनल लिस्ट नहीं है, इनके सबको दोबारा मौका दिया जाएगा, इनके पेपर चेक किए जाएंगे। वो सब प्रोसेस होने के बाद 31 अगस्त 2019 को एक फाइनल लिस्ट आई, जिसमें यह कहा गया कि 19,67,000 लोग इस लिस्ट से बाहर हैं, लेकिन इनको 120 दिन का टाइम दिया जाएगा। 19,67,000 लोग,
अब जब 19,67,000 लोगों की लिस्ट आई तो वो संघ परिवार के लोग जिन्होंने एक हंगामेदार सूरत पैदा करी थी आसाम में, और कभी कहा था कि 70 लाख लोग बंगला बाहर से आए हुए हैं, कभी उन्होंने कहा कि 50 लाख लोग आए हुए हैं। एक सक्सेना साहब करके लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना वहां के राज्यपाल थे, 1996 में उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि बांग्लादेश से रोज 6,500 लोग हिंदू आसाम के अंदर आ रहे हैं। अगर रोज 6,500 का कैलकुलेशन किया जाए तो इस समय बांग्लादेश की पूरी आबादी खत्म हो जानी चाहिए और सारी आसाम में हो जानी चाहिए। 2010 तक अगर उसको कैलकुलेट करते हैं, 2010 की जनगणना को कैलकुलेट करते हैं रोज 6,500 के हिसाब से, तो 6 करोड़ के आसपास ये तादाद पहुंचती है। और आसाम की आबादी हमको मालूम है कि 3,32,00,000 है। तो किस कदर झूठ बोला गया। पार्लियामेंट में ये कहा गया कि 50 लाख लोग जो हैं बांग्लादेश से आए हुए हैं, जबकि ये बात है कि बांग्लादेश से कुछ लोग आए हैं, लेकिन बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो 1971 के पहले आए थे। 1971 के बाद कितने लोग बांग्लादेश से आए होंगे। और सोचने की बात यह है कि अगर कोई बांग्लादेश से आएगा भी तो वो दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा, वहां रोजगार ढूंढेगा, वहां देखेगा आसाम में कौन सी ऐसी जो है वो उद्योग चल रहे हैं, कौन से कारखाने चल रहे हैं जहां वो जाएगा। तो एक ही अफवाह फैलाई गई और जिसके सहारे पिछली बार 2016 में भाजपा ने वहां पे चुनाव जीता। जब फाइनल लिस्ट आ गई और फाइनल लिस्ट में लोगों को लगा कि मुसलमानों की तादाद इसमें 5-6 लाख के आसपास होगी और बाकी तादाद बांग्लादेशी हिंदू नेपाली गुरखा और असमी लोगों की तादाद है, तो उनको लगा कि जो 50-60 लाख हमने हंगामा मचाया था 60 लाख का, किसी ने कहा था 1 करोड़ से अधिक लोग हैं, वो बुलबुला फूट गया। तो वही भाजपा, वही अमित शाह जो ये कहते हैं दिल्ली में कि हम पूरे देश में एनआरसी कराएंगे, उन्हीं के भाजपा के लोग आसाम में एनआरसी का पुतला फूंक रहे हैं आज की डेट में। उनको ये लग रहा है कि एनआरसी ने हमारे साथ सही नहीं किया। तो ये बात अगर आपको लगता है कि एनआरसी होने वाली है तो अभी हम लोगों को तो अंदाजा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से हंगामा मचाएंगे तो 1600 करोड़ खर्च होने के बाद आसाम में वही भाजपा जो एनआरसी की डिमांड कर रही थी, वही भाजपा जो एक साल पहले तक एनआरसी के लिए हर शहर में चिल्ला रही थी आसाम के, आज वो आसाम में उसी एनआरसी का विरोध कर रही है। तो अगर हम एनआरसी को लेकर परेशान हैं तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एनआरसी में जब 40,70,000 लोग निकाले गए थे पहली लिस्ट में, तो तमाम लोगों ने उन लोगों की मदद करी जो गरीब थे, परेशान हाल थे, अपने डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते थे। तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, कोई एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने ग्राउंड पे जाके वकील हायर किए, उनकी मदद करी और उन लोगों के पेपर बनवाए। तो जब आसाम में लोगों की मदद करी जा सकती है और उनको एनआरसी के इस झोलझाल से बाहर निकाला जा सकता है, तो आपके दिल में डर क्यों पैदा हो रहा है ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आप आसाम में एनआरसी को लेकर इतना खतरे में रहो कि हर रोज जब आप मॉब लिंचिंग की खबरें सुने तो उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरने के लिए, सड़कों पर उतर ना सके, उसका विरोध ना कर सके, उसके खिलाफ कोई मुजाहरा ना कर सके और खाली अपने पेपरों के लिए परेशान रहे, इसलिए आपको उलझाया जा रहा है। आप और हमको सबको मालूम है, और जो एनआरसी कराने वाले हैं उनको भी नहीं, उनको भी ये बात बहुत क्लियर तरीके से मालूम है कि इस इलाके में जहां कहीं कोई बॉर्डर नहीं मिलते, उत्तर प्रदेश के कहीं कोई बॉर्डर नहीं मिलते, दिल्ली के कहीं कोई बॉर्डर नहीं मिलते, हरियाणा के कहीं कोई बॉर्डर नहीं मिलते, वहां एनआरसी कराने का क्या तुक है। सिर्फ चुनावी हंगामे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने पहले कश्मीर के मामले में कहा कि हम कश्मीर से बहू लेके आएंगे, फिर जब उनको लगा कि इलेक्शन नजदीक आ गया तो कुछ और ऐलान करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम एनआरसी कराएंगे। अब उनसे पूछा जाए कि हरियाणा में अगर एनआरसी आप कराएंगे तो हरियाणा कौन से बॉर्डर का स्टेट है और कितने लोग आ जाएंगे। आसाम में जहां पर आपने कहा कि 1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, वहां 4 लाख लोग भी नहीं निकले। अभी 120 दिन का टाइम बाकी है। लोगों का कहना यह है कि जब फाइनल टाइम आ जाएगा तो उसके बाद जो तादाद होगी वो बहुत थोड़ी होगी। एक बात, दूसरी बात यह कि ये कहते हैं कि हम एनआरसी कराएंगे और एक भी घुसपैठिए को देश में नहीं रहने देंगे। और इसी भाजपा सरकार का जब विदेश मंत्री पिछले महीने बांग्लादेश जाता है तो बांग्लादेश जाके कहता है कि उनसे पूछा जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये हमारे बांग्लादेश के लोग आप क्या चले गए और आप भेज देंगे और ये कर देंगे, तो कहते हैं एनआरसी हमारा इंटरनल मैटर।
तो सिर्फ और सिर्फ जहनी तौर पर परेशान करने के सिवाय इस एनआरसी में कुछ नहीं है। पूरे मुल्क, पूरे आसाम में इन्होंने हंगामा मचाया, 2010 में किया, 2014 में किया, 14 से लेकर 19 में लिस्ट आई, 5 साल तक लोगों को परेशान किया, लेकिन जो तादाद थी वो खत्म हो गई। खुद वही लोग आसाम में, भाजपा के लोग एनआरसी के खिलाफ आसाम बंद का ऐलान कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि एनआरसी को लेकर वो आपसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग एक व्हाट्सएप पे पर्चा जारी कर देते हैं जिसपे लिखा रहता है 1951। वो 1951 आसाम के लिए, जब आसाम में पहली एनआरसी हुई थी तो उसके वो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। आसाम में जब पहली एनआरसी हुई थी तो ये कहा गया था कि आपको जो शहरियत के पेपर लगाने होंगे उसमें, अगर 1951 में जो एनआरसी हुई थी आपका या आपके वालिदैन का या उनके वालिदैन का किसी एक का नाम अगर उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में 1951 वाली में है तो हम उसको भी मानेंगे। उस लिस्ट को लोगों ने यहां पर व्हाट्सएप में इतना घुमाया कि लोग 1951 के पेपर ढूंढ रहे हैं। आसाम में जब एनआरसी अनाउंस हुई थी तब पेपर की बात करी गई थी, बहुत सारे पेपर मांगे गए थे, उसके बाद कुछ पेपर नहीं थे तो फुजैल साहब वगैरह ने सुप्रीम कोर्ट में ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को भी एनआरसी के जरिए एक्सेप्ट करने वाला पेपर बनाया था। अब इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। वो तमाम चीजें जिनके खिलाफ, जिनके लिए हमें परेशान होना चाहिए, हम उस पर परेशान नहीं हो रहे। हम इस बात पर नहीं परेशान हो रहे कि एक आदमी जो पुणे में काम करता था वो ईद मनाने अपने घर आता है, उसको रास्ते में मोटरसाइकिल चोर करके पकड़ लिया जाता है और खंभे से हाथ बांध करके रात भर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए जाते हैं और उसके बाद उसको मार दिया जाता है और मुकदमे में किसी को पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता, फिर जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी धाराएं बदल दी जाती हैं। वो आदमी सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसका नाम तबरेज अंसारी था, उसके लिए आपको परेशान होना चाहिए लेकिन आप उसके लिए परेशान नहीं होते। उसके लिए आपको हलचल करनी चाहिए, आप उसके लिए हलचल नहीं करते। जहां तक एनआरसी का सवाल है, जब एनआरसी अनाउंस होगी तब उसके पेपर मालूम चलेंगे। अभी एनपीआर है, जनगणना का जो रजिस्टर है वो हर 10 साल में बनता है, इस बार भी बनेगा। बाकी कोर्ट भी मौजूद, तंजीमें भी मौजूद है। जब ये तमाम लोग आसाम तक चले गए, हम लोग आसाम तक चले गए, एक एक शहर में लोगों की जाके मदद करी, फुजैल साहब ने जिन वकला के नाम गिनाए उन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट तक में आपकी लड़ाई लड़ी, तो आसाम में जब हम लड़ाई लड़ सकते हैं तो दिल्ली में कैसे छोड़ दिया जाएगा, यह आप अंदाजा लगाएं इस बात का। लेकिन इस बात की जरूरत आपसे है कि आपको जिन चीजों में आवाज उठानी चाहिए उन चीजों में आप खामोश हैं। एक आदमी सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो कलमा शहादत ला इलाहा का ऐलान करता है, उसको रात भर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाए जाते हैं और तबरेज अंसारी को मार दिया जाता है और आप और हम उसकी वीडियो देखते रहते हैं लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम बाहर निकलकर उसके इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें। उसके भटकते रहते हैं लेकिन हमको ये जरूरत नहीं होती कि हम जो है वो इंसाफ की आवाज बुलंद करें। अगर हमको ये लगता है कि हम डर के रहेंगे तो हमको हर रोज डराया जाएगा, और अगर हम जिस दिन हमने इनसे डरना छोड़ दिया तो फिर ना एनआरसी होगी ना एनपीआर होगा। जहां तक एनआरसी और एनपीआर की बात है, वक्त तकरीबन हो गया मेरे बोलने का। हम तमाम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, वो मोबाइल एप्लीकेशन आप मोबाइल में अपने अपलोड कर लेंगे, उसके बाद उसमें आपके पेपर कैसे बनने हैं, कैसे चलाने हैं, वो इंशाल्लाह 10 से 12 दिन के अंदर वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। उसके बाद खालिद भाई के जरिए आपके इलाके में वो मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरह से एनआरसी के डॉक्यूमेंट बनेंगे या बनाए जाएंगे उसकी पूरी ट्रेनिंग कुछ लोगों को दे दी जाएगी। गूगल प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन आ जाएगी, बड़ी आसानी से आप लोग उसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें जो जो पेपर मांगे जाते हैं एनआरसी में उसको कैसे तैयार करना है वो एप्लीकेशन आपको बहुत तरीके से बता देंगे। ये उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में हम इस पे काम कर चुकेंगे और आप तक ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। इसलिए एनआरसी के लिए ज्यादा जरूरत दर्द लेने की नहीं है, असल तकलीफ इस बात की है कि आपके शहर में जहां मीडिया रहता है, जहां देश के पूरे बड़े बड़े लोग रहते हैं,
वो छोटे छोटे लोग जो जिन शहरों का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, सरायकेला, जमशेदपुर, इधर उधर, वहां के लोग आपसे बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि जब उनके लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करी जाएगी तो दिल्ली में रह रहे इंसाफ पसंद लोग उनके इंसाफ के लिए खड़े होंगे, उनके इंसाफ के लिए नारा लगाएंगे। और ये बात सिर्फ तबरेज अंसारी के लिए नहीं हुई, आपको और हमको याद होगा कि जिस दिन तबलीगी जमात का एक बड़ा इज्तिमा बुलंदशहर में था, उस दिन इंस्पेक्टर सुबोध को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया कि वो जो लोग गाय को मारकर दंगा फैलाना चाहते थे, जिस दिन इज्तिमे का आखिरी दिन था कि किसी तरह बड़ा दंगा फैल जाए, उन्होंने उस इंस्पेक्टर को भी मार दिया। उस इंस्पेक्टर के मारने वालों को सब लोगों को जमानत मिल गई, वो औरत भी और सुबोध की अहलिया भी आपके लिए इंसाफ के लिए देख रही है कि कुछ लोग तो होंगे इस माशरे में जो इंसाफ पसंद होंगे, कुछ लोग तो होंगे जो कुरान पढ़ते होंगे, वो कुछ लोग तो होंगे जो कुरान में ये आयत भी पढ़ते होंगे, कूनु कवामीन बिलकिस्त शुहदा अलन्नास, शुहदा अलिल्लाह की है, ऐ लोगों जो ईमान लाओ इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ के अलंबरदार बन के खड़े हो जाओ। अगर हम कुरान पर ईमान रखते हैं तो कुरान की इस बात पर ईमान भी रखना होगा। और जिस जिहाद की हमसे बात कही जा रही है उसका भी एक जिहाद के लिए ऐलान है, जाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी वस्तबाकुम, जद्दोजहद करो जैसा कि तुम कर सकते हो और अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए चुन लिया है। और अगर अल्लाह ने तुमसे ये कहा कि तुम कलमाए तौहीद पे ईमान लाए थे और अल्लाह से डरते थे, लेकिन तुमको डरना चाहिए था अल्लाह से और तुम एनआरसी के पेपरों से डरने लगे, तुमको इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए था, तुम इंसाफ के लिए नहीं खड़े हुए। एक औरत की का बच्चा 3 साल से इसी दिल्ली से, वो कभी इस इलाके में घूमती है इंसाफ के लिए, घूमती है मां, लेकिन जब अल्लाह के आप जाएंगे तो आपका दामन इस बात के लिए पकड़ा जाएगा कि तुम्हारे दूसरे अमाल भी पूरे थे, लेकिन जब इंसाफ के लिए आवाज लगाई जा रही थी तो तुम उस वक्त कहां थे? जब इंसाफ के लिए आवाज लगाई जा रही थी तो तुम उस वक्त कहां थे? क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत पढ़ते आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, एक ताजिर बाहर से आया और अबू जहल ने उसका पैसा मार लिया। वो ताजिर भटकता हुआ सबके पास गया, सबने उसकी मदद करने से इनकार किया और बल्कि मजाक भी उड़ाया। हमको मालूम है कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ताकत नहीं थी। उसके बाद भी जब वो ताजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा है तो आप सीधे जाते हैं और अबू जहल के दरवाजे में खटखटाते हैं और आप उससे कहते हैं कि इस ताजिर का पैसा फौरन फौरन उसके हाथ में दो और तुमको कोई बेईमानी नहीं करनी दी जाएगी, पर अगर तुम करते हो तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अबू जहल कहता है बाद में कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त जलाल देखकर मैं डर गया, मैं अगर मुझे को लगा कि अगर मैंने पैसा ना दिया तो मेरी जान निकल जाएगी। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि अगर हमारे पास ताकत नहीं भी है तब भी हमको इंसाफ के लिए आवाज उठानी है। वो तमाम लोग, हमको यूं ही नहीं कहा गया कि हम एक बेहतरीन उम्मत है, वो इसलिए उम्मत है कि अगर नाइंसाफी तबरेज की अहलिया के साथ होगी तब भी हम आवाज उठाएंगे, नाइंसाफी अगर नजीब के साथ होगी वो नजीब की मां के साथ हम इंसाफ की आवाज उठाएंगे, नाइंसाफी अगर रोहित वेमुला के साथ होगी तो उसकी मां के साथ भी हम इंसाफ की आवाज उठाएंगे, नाइंसाफी अगर इंस्पेक्टर सुबोध की अहलिया के साथ होगी तो हम उसकी अहलिया के साथ भी इंसाफ की आवाज उठाएंगे। एनआरसी और इस तरह के तमाम हालात 1400 साल की तारीख में हमारे पीछे आते रहे हैं, हमारे साथ आते रहे हैं। इससे बुरा दौर कब नहीं आया जब तातारियों ने बल्ख से लेकर बुखारा और समरकंद जैसे तमाम के तमाम शहर मुसलमानों के लाशों से भर दिए थे, उसके बावजूद भी क्या हुआ? उसके बावजूद भी हमारी तारीख हमको बताती है कि हम पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। तातारियों ने मुसलमानों को जीता और इस्लाम ने तातारियों को जीत लिया, तो यह हमारा किरदार है। अगर हम इंसाफ के अलंबरदार बनकर, कुरान के अमानतदार बनकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पसमानदार बनकर इंसाफ की आवाज उठाएंगे और जो इंसाफ की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आवाज पर लबैक कहेंगे, तो ये एनआरसी, ये अमित शाह, ये योगी, ये तमाम आए हैं। हमारी तारीख गवाह इस बात पे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर फिरौन के दौर में से लेकर हमान तक और अबू जहल तक तमाम के तमाम आए और तमाम के तमाम चले जाएंगे। इस नर उस दौर में अबू जहल गया, अबू लहब गया,
तो इस दौर में भी हम बहुत ही शाह योगी भी जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।